कराएंगे, सभी नेता का पहले फिल्टराइजेशन कराइए और बताइए कि क्या आप लोग कौन फिल्टर से पास हो गया। बिल्कुल, देखिए इनका जो चेहरा है सारे तो उसके बाद जो है हम लोग भी फिल्टर होने के लिए तैयार है। सीट मत बेचिए, गांधी मूर्ति का एक जगह है और ऐतिहासिक जगह है, और इस जगह पर यदि ये सारे स्टूडेंट्स आवाज बुलंद कर रहे हैं तो सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन की बात नहीं है, इसमें तकरीबन 10,00,000 लोगों का जो है परिवार वालों का जो है एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये स्टूडेंट्स का चल क्या रहा है, और जो चल रहा है उसके पीछे तेजस्वी यादव अपना रोटी क्या सेक रहे हैं। देखिए तस्वीरों में इनका कहना है परमानेंट वैकेंसी हो BTSC नंबर बेसिस के आधार पे, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हो LRC एग्जाम बेसिस पे। ये कहाँ का इंसाफ है जो कहते हैं कि फिल्टराइजेशन हो, LRC विभाग अपने नियम बदलो, हम अभ्यर्थी और एग्जाम का विरोध करते हैं, एग्जाम हुआ तो धांधली तय है, स्कैम तय है। इससे पहले भी लगातार BSSC स्कैम जो हुआ है उससे तो करीब 9,00,000 अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और ट्विटर वार चल रहा है, न जाने अब कैसा महासंग्राम होगा। लेकिन उससे पहले ये LRC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये भी अपने महासंग्राम में उतरे हुए हैं। क्या ये महासंग्राम आप लोग का होगा? जरूर होगा। हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि संविदा पे जो नौकरी है उसमें एग्जाम क्यों लेंगे, एक साल का नौकरी के लिए हम एग्जाम देंगे, ये कहाँ का मतलब कानून है जो बना है नियम वाली उसी पे मतलब कानून जो है ये उनके हिसाब से जो बिहार गैजेट में बना हुआ था फिर ये लोग बदल रहे हैं। क्यों ऐसा होगा? फॉर्म भरवा दिए, रजिस्ट्रेशन करवा दिए, उसके बाद क्यों ऐसा करेगा? परमानेंट जॉब नंबर बेसिस पे होगा, संविदा के लिए हम लोग एग्जाम देंगे। लेकिन जनरल राइट टू आ गया है फिर से, जैसे यादव कहेंगे तो हम अपन मन के हिसाब से लेंगे, तो क्या कैसे बोलेंगे? खुद नवा फेल हमको फिल्टर करेंगे, हम इंटरव्यू देके आए, किस चीज सेमेस्टर का एग्जाम दिया हमको बताएंगे कैसे पास किया जाता है, मतलब आपको सिखा रहे होगा, हमको सिखाएंगे, खुद आए हैं परिवारवाद से नेता बन गए, इसका मतलब क्या है? अच्छा क्या कीजिएगा? फिर से वो भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, जैसे बाप चारा घोटाला किया बेटा वैकेंसी घोटाला करेगा। ओके, ये लोग पेपर लीक करते हैं, सीट बेचने का काम करेगा, पूरा सीट बेच 300 करोड़ का कारोबार करना चाहता है ताकि आगे मतलब चुनाव हो उसमें पैसा खर्च कर सके। ये लोग जितने दिन बाद फिर से पैसा बटोरेंगे, घोटाला करेंगे, यही इनका काम है, भ्रष्टाचार करना ही इनका काम है। रोजगार के लिए हम लगातार रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, सरकार का आरोप लगा रहे हैं। रोजगार देना ही था तो वैकेंसी फॉर्म भरवा के क्यों रद्द कर रहे हैं? ओके, क्या कहिएगा? 10,00,000 कहाँ रोजगार दिए, वो वादा तो किए थे, अब मुकर गए वादा से। हमारा जो है मतलब कि निवाई नहीं, 10 वैकेंसी भी नहीं निकाले, 10 भी नहीं। हम लोग लगे उम्मीद है कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों ने सब डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा में इंट्रेंस निकाल करके हम लोगों ने, उसके बाद जब ये नियमावली जो नियमावली नंबर बेसिस हम लोगों ने फॉर्म भरा, हम लोगों ने उसका रेक्टिफिकेशन जमाया, तो रेक्टिफिकेशन किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म भरा सब हम ही लोग जानते हैं, हमारे छात्र जानते हैं। उसके बाद जब हम लोग ने फॉर्म भर लिया उसके बाद कहा जाता है कि हम एग्जाम लेंगे 5 दिन 10 दिन बाद। जब हम लोग को उम्मीद था कि अब काउंसिलिंग लिस्ट जारी होगी, काउंसिलिंग परिवार में हम लोग माँ बाप कह रहे थे कि चलो बेटा को नौकरी हो जाएगा, डिप्लोमा कर रखा है, इसके बाद कहते हैं कि एग्जाम लेंगे। मतलब ओवरऑल क्या कहते हैं कि सारा नियम फेल है, सारा फेल है, आप जो नियम बनाते हैं उसी पर खड़े नहीं होते। बिल्कुल, क्या करेंगे आप? ओके, देखिए और जो एग्जाम में क्या गारंटी है कि मतलब उसमें पूरा आप फिल्टर लिख लीजिए, एग्जाम में तो नहीं चल सकता एग्जाम। भटक रहा है कितना समय उसके बर्बाद हुआ, हेलो आप मतलब 18 की देखिए इस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार हुआ, बिहार से भोपाल में डिस्ट्रिक्ट आए हैं। आप जानते हैं कि देखिए और भी लोगों से जुड़ेंगे, कई यहाँ पे स्टूडेंट्स छात्राएं हैं उनसे जुड़ेंगे। अच्छा मैडम ये बताइए कि फिल्ट्रेशन तो बाहर है, सबसे बड़ा विभाग है क्योंकि ये वैकेंसी निकालती है, एक के बाद 2 साल से हुआ जा रहा है, अभी लास्ट वैकेंसी फाइनल किया था,
जिसमें 82 सपोर्ट हो गया, 84 डिप्लोमा सिविल इंजीनियर भरते हैं हम लोग, जितना भी बैठे हुए सब डिप्लोमा सिविल इंजीनियर। आप फॉर्म भरवा के इन्होंने बार बार वैकेंसी को रद्द करते हैं, बार बार वैकेंसी को रद्द करते हैं। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं सरकार सीट बेचती है, पैसा सबसे बड़ा चुतिया है, सरकार जो सबसे बड़ा चुतिया है। जब हमको वैकेंसी निकालने में 2 साल से हम लोग केस कर रहे हैं, धरना दे रहे तब वैकेंसी निकलता है, और सारा नियमों में लिखे करने के लिए 2 घंटा भी नहीं लगता है, यहाँ पे बैठक नहीं होता है। कितना समय बर्बाद होगा? बर्बाद तो छोड़ ही दीजिए मत। अगर सरकार जो बोल रहा है फिल्टर करेंगे, कौन आधार को फिल्टर करेंगे? 30 पेपर का एग्जाम देखा है, कौन सा फिल्टर करने की बात? वही तो समझ में आ रहा है, सरकार कौन सा पेपर फिल्टर करेगा, किसको फिल्टर करेगा? 30 फिल्टर की बात देखिए सर, फिल्टराइजेशन एक बहाना है, सरकार को नौकरी बेच के पैसा कमाना है और अगला चुनाव में वो पैसा को खर्च करवाना है, यही सरकार का फिल्ट्रेशन एक बहाना है, इसमें कुछ नहीं है। उस दिन उन्होंने खुद उनको पता नहीं कि हम कौन फिल्टर से आए हैं, सीट लॉलीपॉप के नाम पे उनको वैकेंसी निकालना है, लॉलीपॉप के नाम पे उनको वैकेंसी निकालना है, बार बार बोल रहे हैं कि युवा खुश हो जाए। सुनिए ना सर, लॉलीपॉप के नाम पे उनको वैकेंसी निकालना है और कुछ को कोर्ट में फंसाना है, तो कुछ चलती बहाली में रद्द करवाना है, फिल्ट्रेशन तो एक बहाना है। बहुत बढ़िया, वो तो मानेंगे नहीं, तो बोल दिया ना बदलने की बात, बदल रहे कैसे नहीं बदलेंगे, तो बोले हमारे आंदोलन जारी रहेगा, हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। कौन सा फिल्टर से आया? नॉर्मल फेल है वो, नॉर्मल फेल मुख्यमंत्री 50 सीएम बन सकता है, हम लोग डिप्लोमा करके अमीर नहीं बन सकते हैं। 6 बार 6 एग्जाम दिए, एक बार यही है, कुछ फिल्टर नहीं, 3 एग्जाम लेके आए। बोलने सही का मतलब क्या? देखते पेपर पास करके तब तो यहाँ खड़ा है, नहीं तो ऐसे तो नहीं है, किसी पास कोई नहीं आके बोल देगा डॉक्टर साहब उठ के आया बोल देगा कि हाँ फिल्टर। अरे फिल्टर का मतलब पहले समझ रहे हैं, तो नमी पे यदि फिल्टर ही करेंगे तो आखिर मतलब कि ये 1-2 साल कैसा लगेगा? 1-2 साल वो सोच लीजिएगा, फिल्टर वर्ड एक फिल्टर बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, वही बिहार में, बिहार जो फिल्टर कर रहा है वो निकाल नहीं पा रहा है। बच्चा लोग फिल्टर मतलब जो आ जा रहे थे गलत ये करके दूसरा कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज का लेकर के आ रहा है, तो जब उनका कॉलेज अपना है तो फिर डिग्री होती है, फर्जी कहाँ से आता है? अदर कॉलेज से आता होगा ना, वो हम लोग का 60% करें 40% करें प्राइवेट कॉलेज का, वो कर सकते हैं ना, कि उतना ये कैसे कर सकते हैं? ये कहाँ का नियम हो गया बीच में? नियम आपको पता होना चाहिए कि एसएससी का जो पेपर लीक हुआ वो भी अब फिल्टर करेंगे, वो फिल्टर क्या करेंगे? कर ही सकते हैं, उनको पैसा कमाना है, सारा सीट बेच करके सारा पैसा वो खींचेंगे अपने पास ले जाएंगे। तो आप जैसे स्टूडेंट अब सारे लोग क्या क्या करने वाले हैं, कुछ क्या करेंगे? अब उनको मिलने उस दिन मिलने से भी कुछ नहीं हुआ है, अब फिर से मिल लेंगे और पूरा रोड पे भी जा रहे हैं। हाँ मिले थे लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि हम अकेले, लेकिन आप लोगों को डर नहीं लगता? स्माइल बंद नहीं, नहीं ये लाइफ बंद हो गया है, मारेंगे पीटेंगे और क्या करेंगे? सरकार का काम ही यही है, डंडा मारो बच्चों को, पहले बोलो पढ़ाओ फिर बाद में बोलो कि डंडा मारो, बाद में मारेगी पहले बोले कि पढ़ो पढ़ेंगे, और जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो बोलते हैं कि एग्जाम लेंगे, और पहले एग्जाम पहले बोलो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देंगे। परीक्षा के माध्यम में जो फिल्टराइज उनका कहना है, मतलब कहना ये चाहते हैं, परीक्षा लेंगे उससे छात्र फिल्टराइज होंगे, वो खुद फिल्टराइज नहीं है, ठीक है? अब परीक्षा एक बहाना है, इसमें टोटल सीट बेच देंगे उनको साफ साफ, देखिएगा इसमें बेचने का बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी यहाँ छात्र है किसी का मेरिट लिस्ट का नाम नहीं होगा, जब रिजल्ट आएगा ना सर वहाँ का लड़का उसमें डाक बंगला जाम करेंगे, डाक बंगला जाम करेंगे। जब हम लोग आराम से बात किए नहीं माने तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही ऑप्शन है सरकार को, अब यही आप उनसे क्या शांति से मिलेंगे? एक बार मिले, दो बार मिले, जाते वहाँ बोलते निकलो का डंडा से मारेंगे, बुलाएगी तो बुलाएगी, ऐसे भी लोग थोड़ी हम लोग का करने वाले हैं, घर पे बैठ के क्या हो रहा है हम लोग का? ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है हम लोग का, जो करेंगे देखा जाएगा। क्या हो रहा है घर पे बैठे हुए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे जनवरी में ज्वाइन करेंगे, हम लोग पेरेंट्स को बता दिए थे, आज हम लोग अपने पेरेंट्स को भी क्योंकि परेशानी बढ़ चुकी है। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं LRC ये जो सरकारी अमीन की बहाली होती है इसको लेकर ये गांधी के पास तकरीबन हजारों स्टूडेंट्स साफ कह रहे हैं कि वैसे भी हम लोग के साथ क्या होने वाला है। अब 10वीं से एक बार मिले, दो बार मिले, 3 बार मिले, मतलब शांति से मिलना चाह रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डेट मीन्स कि ये सब तो बहाना है, फिल्ट्रेशन तो बहाना है, बाद बाकी पैसा कमाने का ये जमाना है। अब ये सोच लीजिए कि स्टूडेंट्स का इतना बड़ा आरोप, और 10वीं ये डिप्टी सीएम है, यंग डिप्टी सीएम को यदि कहा जा रहा है तो जरूर उनको एक बार संज्ञान लेनी चाहिए। फिल्ट्रेशन यदि आप कहते हैं तो इसे फिल्ट्रेशन से पहले 100 सवाल खड़ा होता है, और 100 सवाल का यदि जवाब नहीं दीजिएगा तो ये स्टूडेंट जरूर कुछ ना कुछ
आपके साथ जवाब लेंगे और जवाब लेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और भी अपडेट जुड़िएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ने देखे हैं कि नियमावली पर इस पोस्टर को आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से, इसमें नियमावली जो लिखा गया है, चलती बहाली के बीच में नया नियम लागू करना कहाँ का न्याय है, दूसरा है नया नियम वाली 2022 को रद्द करो, नया नियम नई बहाली में लागू हो, BTS से JEE परमानेंट नौकरी तो मार्क्स बेसिस है, और LRC में 1 साल की संविदा नौकरी में एग्जाम लेना ये कहाँ का न्याय है। तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोग आए हुए हैं, जो भी लोग नहीं आए हैं चैनल के माध्यम से अपडेट लेते रहें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।